दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिप लाइव एप्लीकेशन के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा जिप लाइव के फ्री टारगेट पॉलिसी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे आईडी क्रिएट करके काम करते हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट जो इस एप्लीकेशन की है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको मिलेंगे वीक के 15,000 बीन्स, जिसकी वैल्यू बनती है करीब करीब 1500 रुपए। तो क्या क्या इस एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उसको फुलफिल करना है और आईडी में होस्टिंग कैसे लेनी है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें और कहीं पे कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां के एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट के बारे में, ताकि आप अगर उसके अकॉर्डिंग फिट होते हैं तो यहां पे आईडी क्रिएट करने का और होस्टिंग का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको एक दिन में कम से कम 4 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग करना है। एक दिन में अगर आप 4 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो वो दिन आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब आप मतलब 4 घंटे का टाइम पूरा कर लेंगे तो फिर आपको 1 स्टार मिलेगा इस एप्लीकेशन में, एक दिन का टाइम पूरा करने का 4 घंटा, ठीक है। अब एप्लीकेशन ये भी कहता है कि ऐसे ही वीक में आपको 4 दिन भी पूरे करने हैं, मतलब आपको 4 स्टार लेने हैं। अब जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको 4 स्टार भी कलेक्ट करना है एक वीक में, तभी आप इस जो फ्री टारगेट पॉलिसी है उसके लिए एलिजिबल होंगे। यहीं पे दोस्त देखिए हमें तीसरा पॉइंट भी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि होस्ट को वीक में मिनिमम 20,000 बीन्स भी रिसीव करने हैं, मतलब 20,000 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 2,000 रुपये है और इतना भी आपको रिसीव करना है तभी आगे आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट आप पूरा कर लेते हैं तो फिर जो आपका रिवॉर्ड रहेगा 15,000 बीन्स का, ये आपको नेक्स्ट मंडे को, मतलब समझ लें कि एक मंडे से आपने संडे तक का टाइम पूरा कवर किया और उसमें आपने इतने सारे बीन्स कलेक्ट कर लिए, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, तो फिर जो नेक्स्ट मंडे है उस दिन मॉर्निंग में ही आपको 15,000 बीन्स आपके आईडी में ऐड कर दिए जाएंगे और उसके बाद आप अपने पेमेंट को विड्रॉ लगा सकते हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जिप लाइव एप्लीकेशन में सभी एंकर्स अपने पेमेंट को खुद से विड्रॉ कर सकती हैं, सेल्फ विड्रॉ यहां पे अवेलेबल है। तो दोस्त ये सभी थे ये इस एप्लीकेशन में काम करने के बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट दिए गए हैं इस एप्लीकेशन की तरफ से, जैसे यहीं पे आप नीचे पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो भी मेंबर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि जब भी वो काम करें यहां पे तो अच्छा उनका फेस दिखे, बैकग्राउंड सारा क्लियर दिखे। इसके अलावा उनको रिंग लाइट यूज करना चाहिए ताकि फेस पे अच्छी लाइटिंग आए और जो भी यहां पे एप्लीकेशन में ब्यूटी इफेक्ट वगैरह दिए गए हैं वो प्रॉपर यहां पे अप्लाई हो सके, अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा उनको अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए ब्लूटूथ हेडफोन यूज करना चाहिए ताकि जो वॉइस की क्वालिटी है वो भी अच्छी बने रहे। इसके अलावा आपको अपने ड्रेस पे भी ध्यान देना है और प्रॉपर बैठ के आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है। अगर ये सभी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर देते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे कैसे आपको आईडी क्रिएट करना है और कैसे इस एप्लीकेशन पे आपको काम करना है। तो दोस्त इस एप्लीकेशन में काम करने के लिए आपको क्या करना है कि जिप लाइव एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है कि ये मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर नीचे वाला ऑप्शन जो लॉगिन वाया वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आईडी है तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, लेकिन आपसे मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। मोबाइल नंबर जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यूजर नेम यहाँ पे डालना है, अपना एज जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है, फिर अपना यूजर नेम लिखना है यहाँ पे और जेंडर सेलेक्ट करना है। इस तरह का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको सारा ऐड कर देना है। उसके बाद प्रोफाइल फोटो लगाना है और प्रोफाइल फोटो रियल लगाना है आपको। फिर फोटो वेरिफिकेशन के लिए या आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप भी अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। इसी से आपको एप्लीकेशन जज करेगा और वो आपकी आईडी को अप्रूव करेगा। इसके बाद से नीचे एक ऑप्शन रहेगा आपको एजेंसी आईडी ऐड करने का, तो एजेंसी आईडी भी आपको ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है आईडी के लिए या होस्टिंग के लिए। एजेंसी आईडी जो है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी ऐड करने में। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपने अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट या फिर अपना आईडी नंबर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर है वहां पे आपने सेंड कर देना है और उनको बोल देना है कि ये मेरा आईडी है, यहाँ पे काम करने के लिए मेरा आईडी अप्रूव करवाया जाए, तो आपकी एजेंसी भी यहाँ पे हेल्प कर देगी। जो भी आईडी में आपकी रिक्वायरमेंट रह गई होगी वो उसको फुलफिल करवाएंगे और आपकी आईडी को अप्रूव करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। जब आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप इस एप्लीकेशन पे काम करके और जो भी यहाँ पे फ्री टारगेट का पॉलिसी है उसका बेनिफिट ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछें या फिर जो डिस्क्रिप्शन में एजेंसी का नंबर है वहां पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।